हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो जैसे कि अभी करवा चौथ आ रहा है, हर कोई फीमेल अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए फास्ट रखेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, सबको रखना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो इस टाइम पे, जिनको प्रेगनेंसी का पता चला होगा, या किसी के पहले के 3 महीने होंगे, किसी के बीच के 3 महीने होंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, या किसी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, आखिरी के दिन चल रहे होंगे, और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि उन लोगों को अपना करवा चौथ का फास्ट कैसे रखना है, किन को बिल्कुल भी नहीं रखना है, किन को किस तरह से रखना है, और अगर आपको फिर भी जिद है कि नहीं, मुझे तो प्रॉपर तरीके से हर बार की तरह ही फास्ट रखना है, जो भी निर्जला व्रत होता है, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपना जो फास्ट है उसको आगे ले जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि आप अगर प्रेग्नेंट है तो करवा चौथ का फास्ट होने से पहले प्लीज एक बार अपना जो आपका गायनी है, जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनसे आप बात कर ले। क्यों? क्योंकि उनको आपकी हेल्थ की कंडीशन डे वन से लेके अभी तक सब कुछ पता है, तो वो आपको एक्चुअल में बताएंगे कि आपको फास्ट रखने की जरूरत है या बिल्कुल आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपके और आपके बच्चे की हेल्थ को देखते हुए। क्योंकि डॉक्टर से जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनसे बेटर आपको कोई भी नहीं बता सकता है इस बारे में। दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, बीपी आपका बढ़ा या घटा रहता है, या आपको शुगर का प्रॉब्लम है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, या आपके बच्चे के जो आसपास का फ्लूड होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, अगर वो कम है, या अगर आपका तीसरा महीना चल रहा है, मतलब तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है, तिमाही का टाइम चल रहा है, डिलीवरी होने ही वाली है, तो उस टाइम पर मैं आपको बोलूँगी कि आप फास्ट नहीं रखो तो ही आपके लिए बेटर है, आप बिल्कुल फास्ट मत रखो। क्योंकि देखो क्या होता है, करवा चौथ हर साल आएगा, आप हर साल बहुत अच्छे से मना लोगे, बट आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी एक नेचुरली भगवान ने ही दी है। आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है, आपका होने वाला बेबी अब आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानना है, सबसे पहले उसके बारे में ही आपको सोचना है, तो आप उसके बारे में सोचो। करवा चौथ आता है, और मैं सही बताऊँ, भगवान जी कभी भी इस चीज़ से आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगे, या आपको बुरा नहीं समझेंगे कि आपने करवा चौथ में फास्ट में कुछ खा पी लिया, या आपने ठीक से नहीं किया हर बार की तरह, और आपने अपने बच्चे के बारे में सोचा। इस चीज से आप बिल्कुल भी बिल्कुल क्लियर रहिए। स्टिल अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो आपको किस तरह से रखना है वो मैं बताती हूँ। आपको जो सुबह का हम सरगी खाते हैं, जो लोग सरगी खाते हैं, जिनके यहाँ पर सरगी खाते हैं सूर्य उदय होने से पहले, उनको क्या करना है, सरगी में खाने वाली चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि सरगी में आपको स्लो कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, जो स्लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका मतलब होता है कि जो आप खाना खाते हो, जो आप कार्ब खाते हो, वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा रहता है। फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कि आप खाते हो और बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आपको भूख और प्यास दोनों बहुत ज़्यादा लगती है। स्लो कार्बोहाइड्रेट्स में आप ले सकते हो, जैसे कि दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरह से आप ले सकते हो। फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स में आपको अवॉइड करना है, जैसे कि आप सॉल्ट नहीं लोगे, चीनी नहीं लोगे, शुगर नहीं लोगे, तेल वाली चीज़ें नहीं लोगे, कोई भी जूसेस वगैरह नहीं लोगे, ये सब फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मेक श्योर कि आप सर्दी में स्लो कार्बोहाइड्रेट्स लो, जो कि बहुत धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट हो और आपका पेट लंबे टाइम तक भरा रहे और आपको भूख प्यास ना लगे। आपको करवा चौथ वाले दिन ज़्यादा काम नहीं करना है, हो सके उतना रेस्ट करना है, बाहर कहीं नहीं जाना है, कहीं पर भी कोशिश करना है पूरा दिन घर पर रहना है, रेस्ट करना है, और हो सके दिन में 2 से 2.5 घंटा आप सो जाओ। इस तरह से आप अपना टाइम निकालोगे तो आपका फास्ट भी पूरा हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि शाम आते आते आपको चक्कर आने लगे हैं, उल्टी आने लगी है, और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सो प्लीज़ भगवान जी का नाम लेकर पानी, कुछ भी तरल पदार्थ ले लेना, कोकोनट वाटर, पानी जो आपको लेना है ले लेना। मैं फिर से एक चीज़ बोल रही हूँ, भगवान कभी भी इस चीज़ से आप नाराज़ नहीं होंगे कि आपने अपने हस्बैंड की के फास्ट को बीच में इस तरह से ब्रेक कर दिया, या इस तरह से आपने कुछ खा लिया। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस बच्चे के बारे में भी सोच रहे हो, आप उस बच्चे की माँ भी हो, तो ऐसा कुछ हो तो आप कर लेना। बट अगर शाम की पूजा हो जाती है, जो 4-5 बजे की पूजा होती है, उसके बाद आप एक कप चाय या कुछ भी ऐसा ले लेना, साथ में कोई भी फ्रूट ले लेना, जिससे कि आपका उसके बाद जब आप चांद आने पर खाना खाओ तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा गैप ना करना पड़े। प्लीज़ इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको बेबी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील हो या बहुत कम फील हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बच्चे का मूवमेंट नॉर्मल ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके भूखे रहने की वजह से ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। और एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ,
अब जब आप फास्ट खोल लोगे रात को, तो फास्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, फास्ट खोलने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है। एक साथ बहुत सारा खाना खाओगे आपका चेस्ट बर्न होगा, हार्ट बर्न होगा, पेट में दर्द होगा, आपको बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और प्लीज़ भावनाओं में बहकर अपना ये करवा चौथ को इस तरह से नहीं करना है। देखो हर किसी के मन में होता है, बीइंग अ वाइफ हर किसी के मन में होता है कि हम इतने सालों से या हमने पहले के सालों में इस तरह से फास्ट रखा है तो हम इस बार इस तरह से ना रखे, इसको तोड़ दें। बट ऐसा नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2021 में जो फास्ट आया था वो ऐसा आया था कि मेरे को अभी तक याद है 17 नवंबर को करवा चौथ का फास्ट था, 17 या 18 को, और मेरा 17-18 को था या 4-5 को था, मतलब नवंबर में ही था करवा चौथ का फास्ट, और मेरी डिलीवरी भी नवंबर में ही होने वाली थी। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि हर साल ऐसा क्या होता है, हमारे यहाँ पर सर्गी भी नहीं होती है। हम जो रात को 12 बजे खाना खाते हैं, रात को 12 बजे के बाद हम कुछ नहीं खाते हैं और हम अगले दिन चांद आने पर ही खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। हमारे कस्टम में सर्गी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सुबह मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाते हैं, हमारा फास्ट रात को 12 बजे शुरू हो जाता है। तो उस टाइम भी मैं प्रेगनेंट थी, मैंने रात को 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया था, मैंने सर्गी भी नहीं खाई थी, बट मैंने दिन तक फास्ट कर लिया था। 1-2 बजे तक, 2 बजे मैंने एक बनाना और एक गिलास दूध ले लिया था, उसके बाद शाम की पूजा करी थी, फिर एक कप चाय ले ली थी, उसके बाद मैंने सीधे रात को चांद देखते हुए खाना खा लिया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा दिन इस तरह से अगर आप पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो कोई होगा। आप ये सोचो कि आपका जो बेबी होने वाला है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको कुछ हो जाता है या उसकी वजह से आपको कुछ हो जाता है या माँ बेटे बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो फैमिली के लिए और आपके लिए कितना ज़्यादा एक प्रॉब्लम की बात होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ ना, 2021 में मैंने इसी तरह से फास्ट किया था कि मैंने नहीं खाया था रात से लेकर अगले दिन 1 बजे तक, बट फिर मैंने एक बनाना दूध ले लिया था, शाम को पूजा करने के बाद एक कप चाय ले ली थी और रात को फिर सीधे खाना मैंने रात को खाया था। हाँ मैंने पानी नहीं पिया था, मैंने कुछ खाना नहीं खाया था, बट मैंने ये चीज़ खा ली थी। तो प्लीज़ जिनके यहाँ पर सर्गी होती है, तो मैंने बताया स्लो कार्बोहाइड्रेट्स सर्गी में खा लें, फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स मत खाएं। जिनके यहाँ सर्गी नहीं होती है हमारी तरह, तो प्लीज़ वो अपना अगले दिन के दिन तक कर ले, उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ खा ले, चाहे आप थोड़ा खा लो, बस थोड़ा सा कुछ खा लो, पूजा के बाद चाय पी लो और फिर रात को अपना प्रॉपर से डिनर कर लो। तो प्लीज़, और मैं ये कहूँगी कि अगर फिर भी आपके अंदर जिद है कि नहीं मेरे को तो बिना पानी खाने के ही रखना है, तो वो आपकी श्रद्धा है। इसमें मैं जो उनके हस्बैंड है उन्हीं को ये मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आपकी वाइफ आपके लिए फास्ट रखती है, तो उसको मोटिवेट करना, उसका सपोर्ट करना। इस बार वैसे भी संडे है, सब लोग घर पे ही होंगे, तो जितना हो सके उसका डाइवर्ट रखना, उसको खुश रखना, घर का जो माहौल है वो फेस्टिव रखना, खूब ज़्यादा हैप्पी हैप्पी रखना, जिससे कि जो बच्चा है, जो मदर है, वो करवा चौथ का फास्ट भी बहुत ईजिली कर ले और बहुत अच्छे से कर ले। तो चलिए फिर, इस वीडियो में मैंने यही बताना था आपको कि करवा चौथ का फास्ट जो प्रेगनेंट लेडीज़ हैं उनको किनको बिल्कुल नहीं करना है, किनको करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर भी कहूँगी कि आपके अगर मेडिकल कंडीशन में कुछ भी अप डाउन है, प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना फास्ट रखने से पहले। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप सबको आने वाले करवा चौथ की खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शॉपिंग करो, खूब सारे मजे करो, पूरा दिन खूब सारा फेस्टिव टाइम में स्पेंड करो। वैसे भी इस बार संडे है, तो संडे को तो वैसे भी हस्बैंड लोग घर पे ही होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, मस्त अपना पूरा दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल आपसे दोबारा किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।